नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो इनवाइट पर। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और जुड़ जाएं चैनल के साथ। आइए शुभारंभ करते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत करता हूं। ग्रह जब चमत्कार दिखाते हैं तो आपके जीवन में खुशियां आती हैं। ग्रहों की माया अपरंपार है। ये ग्रह जब आपके अच्छे हों तो आपके लिए सभी सुख, जब खराब हों तो सभी दुख। मई 2022 में 3 ग्रह आपको बहुत शुभ फल देने वाले हैं। कौन से हैं वो 3 ग्रह जो आपको इतने बढ़िया रिजल्ट देंगे कि आपके मई महीने में सब कुछ शानदार हो जाएगा? आप जानिए इन 3 ग्रहों का चमत्कार, इन 3 ग्रहों की माया जो आपके मई के महीने को इतना शानदार बना देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। ये जो जानकारी है ये ज्योतिष की गणनाओं के आधार पर है। ये जो जानकारी है वो चंद्र राशि और नाम राशि के आधार पर है। आपकी राशि के लिए, आपके लिए बहुत कुछ बेहतरीन होने वाला है इन 3 ग्रहों के कारण। ये 3 ग्रह आपकी जिंदगी को एक नई मंजिल दिखाएंगे। आइए जानते हैं कौन से हैं वो आपके 3 लकी ग्रह जो आपकी राशि के लिए सबसे शुभ हैं। ध्यान से अपनी ये गोचर कुंडली को देखिए। गुरु और शुक्र लग्न में बैठे हैं। सूर्य कहाँ पर बैठे हैं? द्वितीय भाव में। और सूर्य कुछ दिनों के बाद चले जाएंगे तृतीय भाव में, जो कि मंगल का घर है। तो यही 3 ग्रह हैं जो आपके जीवन में चमत्कार ला रहे हैं, गुरु, शुक्र और सूर्य। अब देखिए, आपकी राशि के स्वामी हैं बृहस्पति, तो बृहस्पति के परम मित्र हैं सूर्य, तो सूर्य से अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। और गुरु और शुक्र की भी आपस में कोई ऐसी खतरनाक लड़ाई है नहीं, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया होता है। तो पहला ग्रह आपको जो बेहद लाभ दे रहा है वो आपकी ही राशि का स्वामी ग्रह है गुरुदेव। गुरुदेव हंस नामक पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं लग्न में। हंस योग बनने का मतलब होता है कि आपके चेहरे पर एक विशेष आकर्षण आएगा। हंस क्या है? हंस किसका वाहन है बताइए आप लोग सोच के। मैं आपको 2 सेकंड देता हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखिए। हंस किसका वाहन? हंस माँ सरस्वती का वाहन है। और सरस्वती क्या है? ज्ञान है। और ज्ञान जिसके पास है उसके पास पैसा है। जो ज्ञानी है वही धर्म को मानता है। तो हमेशा आप लोग माँ सरस्वती की आराधना करते रहिए। माँ सरस्वती से बुद्धि मिलेगी और बुद्धि से ज्ञान आएगा। ज्ञान और बुद्धि एक ही चीज़ है। ज्ञान आएगा और ज्ञान से पैसा आएगा। पागलों के पास पैसा नहीं होता, पैसा समझदारों के पास होता है और समझदार वही होता है जो बुद्धिमान होता है। तो माँ सरस्वती की आराधना करिए। तो हंस योग आपके चेहरे पर विशेष आकर्षण लेकर आएगा, आपके अंदर सकारात्मक विचार लेकर आएगा, आपके आत्मविश्वास को मजबूत बनाएगा, मित्रों की संख्या को बढ़ाएगा, अच्छे मित्रों की संख्या को बढ़ाएगा, नौकरी व्यापार में सब कुछ बढ़िया चलता रहेगा। अगर आप किसी परीक्षा प्रतियोगिता में बैठते हैं तो परिणाम मन मुताबिक होंगे, आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी, आपके पास ज्ञान की कमी नहीं होगी, सरकार के माध्यम से उच्च धन प्राप्त करेंगे। मीन राशि वालों के लिए हंस योग बेहतर जिंदगी को लेकर आ रहा है। पुराने दिन के बीते हुए जो वक्त को भुलाकर आप एक नए वक्त की शुरुआत कर सकते हैं। अब गुरु लग्न में बैठे हैं, हंस योग भी बन रहा है, तो गुरु की स्थिति बहुत ही बेहतरीन है। लग्न में बैठा हुआ गुरु राजा के समान होता है और अकेला गुरु ही आपको सब सुख दे देगा। शानदार फलों की वर्षा होगी। उच्च शिक्षा में आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। शिक्षा में, नौकरी में, व्यापार में लाभ होगा। आपके पास होगी ताकत जिससे आप दुनिया की परेशानियों को खत्म कर लेंगे। नौकरी व्यापार के माध्यम से आप महाधनी बनेंगे। सेहत बहुत बढ़िया होगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। सरकारी नौकरी की तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी। बुद्धिमान होंगे, विद्वान होंगे, कर्मकांडी होंगे,
अपने भाग्य पर विश्वास रखेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपका व्यापार बढ़िया होगा, परिवार बढ़िया होगा, गुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर होगी और आपके लिए संतान का सुख आएगा, सरकार से लाभ आएगा, सरकारी कामों में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा इज्जत प्राप्त होगी, लॉटरी शेयर मार्केट में लाभ होगा, मेहनत खाली नहीं जाएगी, जो करेंगे उसके परिणाम मिलेंगे, अचानक से बड़ा लाभ होगा, धनी भाग्यवान होंगे, प्रेम संबंध सुधरेंगे, नए रिश्ते, नई दोस्ती, नए प्रेम संबंध बनेंगे, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, जीवन साथी से शानदार रिश्ते होंगे, शादी होते ही आपका भाग्य चमक जाएगा, कुंवारे हैं तो शादी के योग बनेंगे, नई व्यापारिक साझेदारी बनेगी, विदेश के योग बनेंगे, साझेदारी में चल रही परेशानियों का खात्मा होगा, धार्मिक बने रहिएगा, ईश्वर में विश्वास रखिएगा, आपको आपके जीवन साथी से प्यार मिलेगा, जीवन साथी की तरक्की से दिल खुश हो जाएगा, जीवन साथी और आप दोनों की आर्थिक प्रगति होगी, कम उम्र में आप नाम कमाने वाले होंगे, छोटी उम्र में ही आप सेटल हो जाएंगे और शादीवादी भी कर लेंगे। आपकी किस्मत मजबूत है, आप अपने चंद्रमा को मजबूत बनाइए, चंद्रमा को मजबूत करने के लिए गले में चांदी का टुकड़ा पहन लीजिए या आपकी माता जी का आशीर्वाद लीजिए या मोती रत्न भी धारण कर सकते हैं। आप कभी ऋणी नहीं रहेंगे, आपके ऊपर कर्जे नहीं रहेंगे, आपकी संतान बढ़िया रहेगी, आप धार्मिक कार्यों में शामिल होंगे, आपका भला होता चला जाएगा, बढ़िया वक्त है लाभ उठाने का, गुरु की दृष्टि नवम भाव पर होगी तो गुरु का ही घर है तो आप के परिणाम और भी बेहतर हो जाएंगे, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धनी होंगे, ज्ञानी होंगे, बढ़िया शानदार परिवार होगा, अच्छे बच्चे होंगे, आपका जीवन खुशियों से भरा होगा, आप बाबूजी बनने वाले हैं, साहब बनने वाले हैं, तीर्थ यात्रा के अवसर प्राप्त होंगे, लोगों को तीर्थ यात्रा करा सकते हैं आप इस महीने में बड़े आदमी बनने वाले हैं, जो भी इस महीने में पैदा होगा, अगर आपके घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो भी अमीर होगा, वो भी शानदार भाग्य लिखवा कर लाया है, लंबा जीवन मिलेगा आपको, संतान का सुख मिलेगा, पैतृक सुख मिलेगा, विदेश के योग बनेंगे, वादे के पक्के होंगे, बस झूठा भोजन किसी का भी मत करिएगा, शराब मत पीजिएगा, आपको इससे बढ़िया वक्त, इससे बढ़िया फ़ायदा शायद ही कभी हुआ हो जो अब होगा, मज़े का वक्त है, शानदार वक्त है, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कौन सा शब्द बोलूँ जिससे आपको बताऊँ, यकीन मानिए अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु बेहतरीन है फिर आपको किसी और ग्रह की आवश्यकता नहीं, ना मंगल की, ना शनि की, ना इसकी, ना उसकी, अकेले गुरु ही आपका बेड़ा पार लगा देंगे। दूसरा ग्रह जो आपको लाभ देने वाला है वो शुक्रदेव है, शुक्रदेव गुरु के साथ भी होंगे, लग्न में होंगे और अपनी उच्च राशि में होंगे तो क्या बन गया, मालव्य योग बन गया, अरे हाँ बारे न्यारे हो गए मीन राशि वालों के, पहला बना हंस योग, दूसरा बना मालव्य योग, आपको तो जैसे किसी ने दूधों में नहा, दूध में डुबो दिया हो, चाशनी में डुबो दिया हो, इतने बढ़िया दिन आ गए आपके, मीन राशि वालों की किस्मत का पिटारा खुल गया, लगता है दो चार पांच सालों का माल पानी एक साथ मिलने वाला है, बोनस तरक्की सब कुछ होने वाली है। हंस योग मालव्य योग 7 मई को से शुरू होगा, मालव्य योग 7 मई से शुरू होगा, सॉरी 17 मई से शुरू होगा, 17 मई से मालव्य योग शुरू होगा, ज्ञान धन दौलत सब कुछ आपके पास होगा, ज्ञानी नहीं महाज्ञानी होंगे आप, छोटी छोटी बात पर पैसा कमा लेंगे, छोटी छोटी बातों से अपनी दुनिया का दिल जीत लेंगे, छोटी बात हो बड़ी बात हो सब कुछ आपके साथ होगा, आपको छोटी बातों की भी जानकारी होगी बड़ी बातों की भी जानकारी होगी, क्रोध घमंड अहंकार व चरित्र में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, बस ध्यान रखिएगा, आपके पास गुप्त विद्याएं होंगी, घमंड करेंगे, चरित्र खराब करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे तो जैसे रावण की लंका थी ना वो जल गई थी, फिर आपका भी सब कुछ जल जाएगा, तो क्रोध घमंड अहंकार से बचिएगा, मन चाही सफलता, मन चाहा धन, मन चाहा काम, मन चाहा साथी, मन चाहा पार्टनर आपको मिलेगा, आपका वक्त शानदार है, ताकतवर है, शिव का आशीर्वाद मिलेगा, शिव के आशीर्वाद से आपको हर काम में विजय प्राप्त होगी, कला के प्रेमी होंगे, किया हुआ वादा करेंगे पूरा करेंगे, दुनिया की हर चीज़ आपके कदमों में होगी, दुनिया की हर चीज़ खरीदने की ताकत आपके अंदर आ सकती है, इतना बढ़िया मान सम्मान रुतबा होगा, वैवाहिक जीवन का आनंद लेंगे, खुशियों के पल बिताएंगे, धनी सुंदर ज्ञानी पत्नी आपको मिलेगी, लाभकारी वक्त होगा, सुंदर हैंडसम पति भी आपको मिलेगा, आप
प्रेम के दीवाने होंगे, कला के दीवाने होंगे। आप जिस भी क्षेत्र से जुड़े हैं, चाहे वो कला हो, चाहे वो फैशन की दुनिया हो, चाहे वो टेंट हाउस का काम हो, चाहे वो शादी का काम हो, चाहे वो ब्यूटी पार्लर का काम हो, चाहे वो धर्म का काम हो, इन सब में आपका बढ़िया चलेगा। चाहे वो कपड़ों का काम हो, संगीत, फिल्मी दुनिया, सोशल मीडिया के काम हो, पत्रकारिता हो, इसमें विजय ही विजय है। कवि और शायर भी हो सकते हैं। देश, प्रदेश, विदेश में आपके काम और नाम के चर्चे होंगे। अब अगर अभी तक आपने पासपोर्ट में कहीं गए नहीं है तो ठप्पा लगने वाला है किसी न किसी देश का, चाहे काम के सिलसिले में, चाहे घूमने के सिलसिले में। तो दूसरा जो शुभ संकेत आपको शुक्र दे रहे हैं, ये शुक्र आपको, मैंने क्या कहा, खुशियों में डुबो देंगे। कई बार आदमी कहता है ना, हंसते हंसते पेट दर्द हो गया। अब आप हंसते हंसते आपका पेट दर्द हो जाएगा, अब खुशी के मारे आंखों से आंसू निकल आएंगे, तो बस ये बढ़िया वक्त ही तो आप चाहते थे, सो आ गया मई 2022। अब चिंता छोड़ दीजिए, अब चिंता, परेशानी, दुख की कोई जगह नहीं है आपके जीवन में। तीसरा ग्रह जो आपको मालामाल करने वाला है, चमत्कार दिखाने वाला है, वो है सूर्यदेव। सूर्य अपनी उच्च राशि में होंगे, धन भाव में होंगे 15 मई तक, उसके बाद तृतीय भाव में चले जाएंगे। आपकी कोशिशें सफल होंगी, सूर्य आपके आत्मविश्वास को बढ़ाकर रखेंगे, दानवीर होंगे आप, विदेश से लाभ कमाने वाले होंगे, भाई बहन आपके विदेश जा सकते हैं आपके सहयोग से, आप लोगों का कल्याण करेंगे। बस स्त्रियों से झगड़ा ना करिएगा। 15 अप्रैल के बाद सुखी जीवन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप पर ईश्वर की कृपा होगी, ज्योतिष गणित में रुचि होगी, यह वक्त आपके लिए खुशियां पाने का है, मान सम्मान पाने का है, यह मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। गुरु का हंस योग, शुक्र और मालव्य योग और उच्च सूर्य आपको गद्दी पर बिठा देंगे। ठाट बाट आनंद का वक्त है। अब इससे ज़्यादा अच्छे वक्त की उम्मीद मई में मत करिएगा। जो सावधानियां बताई वो सावधानियां भी रखिएगा। क्रोध, घमंड, अहंकार नहीं करना, स्त्री का अपमान मत करिएगा। आप पूरे के पूरे सोने चांदी में तुल जाएंगे, बढ़िया वक्त है। इससे शानदार वक्त की उम्मीद, फिर कह रहा हूँ, मत करिएगा। जो पाना है पा लीजिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह खराब है, अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है, तो ये हाथ खाली रह जाएंगे। मजबूत बनाइए ग्रहों को। कैसे मजबूत बनाएंगे? अपनी जन्म कुंडली की जांच करके। बाद में सिर्फ यही कहेंगे, सचिन जी आपने जो बातें बताई थी उसमें से कुछ नहीं हुआ, सब हवा में निकल गई। और जिनके जीवन में हो जाएगा, उनके पास कमेंट लिखने का टाइम नहीं होगा, क्योंकि वो तो रसमलाई खा रहे होंगे। और जिनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, उनकी ज़िंदगी में ना होने का कारण है, या तो वो आलसी होंगे, या तो वो अपनी कुंडली में खराब ग्रह लेकर बैठे होंगे। अभी अपनी कुंडली की जांच कराइए, हो सकता है कि आप अगले करोड़पति हो जाएं। और अगर आप करोड़पति हैं तो अरबपति भी बन जाएंगे, अरबपति हैं तो उसके ऊपर चले जाएंगे। भगवान कहता है, अपने आप को सुधारने में 1 रुपया लगाओ, 100 रुपया पाओ, तो अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए और आगे बढ़िए। फिर भी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए। और जितनी मैंने आपको ये बातें बताई हैं, ये आपका दिल खुश करने के लिए नहीं बताई हैं, यही सच्चाई है। बस कम या ज़्यादा इसी आधार पर मिलेगा कि आप कितनी मेहनत करते हैं, और आपके ग्रह किस प्रकार से बैठे हैं, और कितने आपने ग्रहों को मजबूत बनाने के लिए उपाय किए। अगर ये सब कुछ सही है, तो समझ लीजिए मई का महीना भी बहुत सही है। नमस्कार।